जा रही है, रात के 3 बजे भी देखो बस मिल जाती है यहाँ से। ये भाई जाने वाले हैं, हमने इनसे बात की। स्वागत है भाइयों आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं महाकाल का एक और ज्योतिर्लिंग एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, त्र्यंबकेश्वर नासिक का ज्योतिर्लिंग एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। सेम एज टाइटल थंबनेल, इस वीडियो में आप नासिक त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स देखोगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। शुरू करते हैं वीडियो भाइयों, लेट्स बिगिन। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक गांव में मौजूद है, जहां पास में ही ब्रह्मगिरी पर्वत है जहां से गोदावरी नदी बहती है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी राव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था और यहां की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होती है। त्र्यंबक को गौतम ऋषि की तपोभूमि भी माना जाता है। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक। ये आ गए भाई हमारी पंजाब मेल, जो कि 20 मिनट लेट हो गई है। इस ट्रेन में हमारी जर्नी होने वाली है, लगभग 21 से 22 घंटे की जर्नी होगी और सुबह हम पहुंचेंगे नासिक रोड। पूरी तरह से सो चुके हैं भाई, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी। बारिश होके बंद हो गई है और हम अभी भोपाल से थोड़ा सा पीछे हैं। भोपाल जंक्शन, और भोपाल ये बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच गई है। वैसे ये ट्रेन लगभग 30 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन अभी कवर कर लिया है। भोपाल एकदम राइट टाइम पे आ गई है। रात को 3:09 पे हम नासिक पहुंच गए हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है नासिक का रेलवे स्टेशन। और ये थी हमारी ट्रेन पंजाब मेल, जिसमें हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। नासिक रेलवे स्टेशन पे ही देखो शौचालय उचालय की व्यवस्था अच्छी खासी है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड से बहुत इजीली लगभग 1-1 घंटे पे, कुछ लोग बोल रहे थे आधे आधे घंटे पे भी मिल जाती है नासिक के लिए बसें, इवन सिटी के लिए भी मिल जाएंगी वहीं से। स्टेशन से लगभग 20-25 मीटर की दूरी पे जैसे ही बाहर आओ निकलोगे, यहाँ बस स्टैंड है। और ये नासिक की पहली बस जो जा रही है, रात के 3 बजे भी देखो बस मिल जाती है यहाँ से। ये भाई जाने वाले हैं, हमने इनसे बात की। ऑटो वाले हैं ये भी जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, लेकिन ये 150 रुपये पर सवारी। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा और आसान तरीका होगा, क्योंकि किसी भी मेट्रो शहर से या बड़े शहर से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन आती है। आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। आप किसी भी जगह से अगर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बाय बस यानी बस के द्वारा आना चाहते हैं तो आपको CBS बस स्टैंड आना पड़ेगा। और CBS बस स्टैंड लगभग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ से आपको बहुत आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, और बसेस तो बहुत सारी चलती हैं तो आपको ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको नासिक एयरपोर्ट पे आना होगा, जहाँ से आपको लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है मंदिर तक। और यहाँ आपको बाय टैक्सी आना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो, सोलो हो और आप रूम नहीं लेना चाहते तो आप इस रोड को फॉलो करते करते आना, सीधा फॉलो करते जाना, ऐसे सीधा चले जाना। वो सामने मंदिर दिख रहा है, मंदिर के पास कुंड है, कुंड के बिल्कुल पीछे ही आपको नहाने की सुविधाएं और बाथरूम वॉशरूम सब कुछ मिलेगा। ये है कुशाव्रत कुंड। एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गौतम ऋषि ने अपनी कठिन साधना से गोदावरी नदी को धरती पे लेके आए थे, लेकिन यह नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। तो नदी को लुप्त ना होने के लिए उन्होंने एक कुसा का सहारा लेके नदी को एक बंधन में बांध दिया। उसके बाद इस कुंड में हमेशा से पानी भरा रहने लगा। जब भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के लिए, तो पहले यहाँ स्नान करते हैं फिर जाके दर्शन करते हैं। देखो भाई, आप वीडियो में होप दिख रहा हो अच्छे से कि कितना फॉगी मौसम हो रखा है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई लेकिन अभी बारिश रुक गई है। नहाना धोना तो हो गया, आप चलते हैं महाकाल के दर्शन करने, त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के दर्शन करने। बहुत खुशी हो रही है भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ पहली बार नासिक आके। और अभी बज रहे सुबह के 5, काफ़ी फॉगी मौसम हो रखा है भाई, काफ़ी धुंध है। ये देखो सुबह लगभग 6:30 बज रहे हैं और लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर भी जो दोपहर की लाइन होगी उससे तो अभी कम ही है। ले लो भैया,
आपको जुलाई में मिलेगा ऐसा व्यू। ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन थी, लगभग हमें ना 1.5 घंटे लग गए इस लाइन से होते होते। आप यहाँ से अंदर जाओगे, यहाँ दर्शन होंगे, फिर इस गेट से आप बाहर आओगे। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए यार, बड़ा सुकून मिला। लगभग 1.5 घंटे लगे हमें दर्शन करने में। यहाँ पे यार कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हमारा प्लान है आगे शिरडी जाने का। ये देखो कितना रेनी सीजन है भाई, यहाँ पे पूरा दिन बारिश हुई जब से हम आए यहाँ पे। जुलाई है भाई, यहाँ पे व्यू भी अच्छा मिलेगा लेकिन रेन भी दबा के मिलेंगी आपको, बहुत बारिश होती है। ये देखो भाई पहाड़, और यार एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ से सवारी मिल रही है भाई। ये थी मेरी नासिक त्र्यंबकेश्वर की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं एक बार फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ।